हेलो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका जो पैटर्न है वो ये वाला है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, और उसमें जो मटेरियल यूज़ होगा वो मैं ये वूल यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये रेगुलर वूल है ये वाली, और ये निटिंग वाली है। तो इसमें हम सबसे पहले, और इसमें सॉरी ये वाला थ्रेड यूज़ होगा, ये एंकर के हैं। टू सिक्सटी एट नंबर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसे लूज बुलियन भी कहते हैं और इसे रिंग भी कहते हैं। तो हम और इसमें हम ये, क्योंकि वो काफ़ी लंबा हमने लेना होता है, तो इसमें मैं ये वाला, ये देखें आप, ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये वाली। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी बहुत इजी, और आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे सिलाई यूज़ कर सकते हैं जो निटिंग के लिए यूज़ होती है। आप इसमें आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं जो बारीक वाली हो उसका। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये लेके, ये देखें सॉरी, यहाँ से हमने लिया, ये देखें वूल इस एज से ली और हमने यहाँ तक ले गए हम, क्योंकि मुझे जितनी बनानी है मुझे उसका है आइडिया कि मुझे 25 इसमें मुझे रोल 25 टाइम मुझे रोल करना है। तो इसको हमने डबल करके हम दोबारा इधर ले आए इस साइड पे, ये देखें यहाँ से हमने इसको पकड़ा यूँ ऐसे, और यूँ इसे हमने इसको लपेटना शुरू कर देना, ऐसे यूँ रैप करना। ज़्यादा टाइट नहीं करना, ये 25 टाइम कर ली। अगर आपको इससे भी बड़ी करनी है 30 टाइम कर लें आप, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने क्या करना है, यूं इसको हमने इस तरह से यूं निकाल देना साइड पे ऐसे, और इसे टाइट बिल्कुल नहीं करना है आपने, बिल्कुल लूज सा छोड़ना है। और फिर हमने यूं देखिए, ये वाला जो था लूप सा बन गया था, इसमें डालेंगे और यूं इसको लूप को हम, ये देखिए इस तरह से खींच लेंगे ऐसे। और इसको हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, अब इसको आपने जितना टाइट करना है, जितना आप रिंग चाह रहे हैं उतना ही आप टाइट करके रिंग इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे यहाँ से काट लेंगे ताकि हम इसी धागे के साथ हम इसको स्टिच कर सकें कपड़े के ऊपर। ये बहुत इजी सा तरीका है, एक दफ़ा और मैं आपको बनाना दिखा देती हूँ बना के। ये देखिए ऐसे लिया हमने, यहाँ से वापस आ गए हम यूँ यहाँ तक,
अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हम स्टेम स्टिच के साथ बनाएंगे। अब हम लीव्स बनाएंगे। लीव्स हम फ्लाई स्टिच के साथ बनाएंगे। अब हम इसे ये देखें यहाँ पे हम लगाएंगे। ये जो धागे हमने छोड़े हुए थे, ये थ्रेड जो इसका था उसमें हमने ये डाल लिया नीडल को। अब हम यहाँ पे इनके सेंटर में हम पर्ल्स लगाएंगे। इस तरह से हम पर्ल्स लगाएंगे और दूसरे यहाँ पे
ये देखें, ये मैंने पिंक कलर के बना के रखे हुए हैं सेम उसी तरह से। तो ये हम मैं सारे यहाँ पे लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो ये जस्ट सिर्फ 3-3 का बंच भी अपनी शर्ट्स में लगा सकते हैं। ये लीव्स जितने होंगे सारे फ्लाई स्टिच के साथ बनेंगे। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।